हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हो। बनाने में इंस्टेंट होगी और जल्दी ये बन जाएगी। टिफ़िन के वक्त में आसान हो जाएगा आपका काम जब आप इसे बनाओगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएँ। सबसे पहले हम एक पॉट ले लेंगे, उसके अंदर हमें ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो ज़ीरा मैंने एक चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। ज़ीरा जब तड़कने लगे तब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज बारीक कटी हुई होनी चाहिए और इसे हम भून लेंगे। मैं भुर्जी में जो पनीर यूज़ कर रही हूँ वो घर का बनाया हुआ पनीर है। मैंने 1 लीटर दूध से ये पनीर बनाया है। आप भी इसे इजीली घर पर बना सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता देना, मैं उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे और इसका कच्चा टेस्ट चला जाने तक इसे भून लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर मैंने यहाँ पर बारीक कट किया हुआ है। आप चाहो तो आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हो, लेकिन हमें इसकी प्यूरी नहीं बनानी है, बस हमें बारीक कट कर इसे डालना है। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, इसने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें नमक ऐड करना है, तो नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप ऐड कर दो। उसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, जो कि 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। और इसका कलर अच्छा करने के लिए हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने से भुर्जी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी का मसाला जले नहीं, इसलिए हम इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में पानी ऐड करने से पनीर भुर्जी जो है वो सूखी नहीं बनेगी, वो खाने में भी टेस्टी होगी और अच्छी बनेगी। अब हम इसके अंदर पनीर ऐड कर देंगे, जो मैंने क्रश कर रखा है। जो पनीर था उसी को मैंने क्रश कर लिया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बच्चों के या बड़ों के किसी के भी टिफ़िन में दे सकते हो। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी और काम बहुत आसान हो जाएगा और टिफ़िन में कुछ अच्छा भी जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। पनीर भुर्जी को अच्छे से मिक्स कर इसकी लीड लगा देंगे और इसे 1 मिनट के लिए बस हम कुक करेंगे। तो पनीर भुर्जी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। दिखने में भी बहुत अच्छी बनी है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लास्ट में इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बस अब सर्व करेंगे। कुछ रेसिपीज़ बहुत आसान होती हैं, बनाने में इंस्टेंट होती हैं और खाने में टेस्टी। उनमें से है पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी को मैं सर्व कर रही हूँ। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइज फॉर द मोर रेसिपीज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।